तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, हैलोजन डेरिवेटिव्स। और इसमें जो अपना चैप्टर चल रहा है और वो है हेलो एल्केन्स। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये है विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि विलोपन अभिक्रियाएं होती क्या है ना। जनरली आप जानते होंगे कि विलोपन अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें एक संतृप्त जो क्रियाकारक अणु हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से परमाणु या समूह निकलते हैं। अब वो दो परमाणु समूह निकल सकते हैं, चार निकल सकते हैं, और इस तरह से जो उत्पाद बनता है वो एक असंतृप्त यौगिक होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं क्या, विलोपन अभिक्रियाएं। जैसे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ये सारी अभिक्रियाएं किसमें आती हैं, विलोपन अभिक्रियाओं में। यहां पर चूंकि हमारा हेलो एल्केन चैप्टर चल रहा है, तो इस हेलो एल्केन में जो विलोपन अभिक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत आती है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का विलोपन होना। तो एक हेलो एल्केन से, एल्काइल हैलाइड से अगर आप एक हाइड्रोजन और हैलोजन निकाल दो तो जो उत्पाद बनेगा वो मेनली एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन। तो यही यहां लिखा है कि एल्किल हैलाइड किसी उचित अभिकर्मक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और हैलोजन का विलोपन करता है, ठीक है। तो और बन जाता है क्या बच्चों, उसमें से एक एल्कीन बनती है, विलोपन करता है तथा एल्कीन बनती है। अल्फा स्थिति से आप देखोगे, अल्फा स्थिति से हैलोजन तथा बीटा स्थिति से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, ठीक है, होता है, तथा एल्कीन बनती है। क्या बनती है, एल्कीन बनती है। तो ये है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना, निष्कासन होना, विलोपन होना, एलिमिनेशन होना, और एक असंतृप्त यौगिक एल्कीन का बन जाना, यही क्या है बच्चों, डीहाइड्रो हैलोजनेशन। जैसे ये है हमारे पास एल्काइल हैलाइड, इसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसे बोलते हैं अल्फा, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा से हैलोजन और बीटा से निकलता है क्या, हाइड्रोजन, और इस तरह से इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड निर्मित होता है। और इसके लिए जो एलिमिनेटर लगता है, विलोपक, वो एल्कोहलिक QH, ठीक है। इसके अलावा और भी आप देखोगे विलोपक आएंगे आपके, टर्सरी एल्कोक्साइड, उनके एक्वा सोल्यूशन NaNH2, इनका भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से यहां से ये निकल जाएगा KX और एक H2O, और ये हो जाएगा एल्कीन का निर्माण। ये चूंकि यहां से बीटा हाइड्रोजन हटता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा एलिमिनेशन, मतलब जो हैलाइड है वो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाता है, इसलिए इसको बोला गया है बीटा एलिमिनेशन। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये प्रोपीन ले ली जाए तो हमें एक, सॉरी, प्रोपाइल क्लोराइड ले लिया जाए तो हमें प्रोपीन मिल जाएगी, या और जो भी आपका एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा तो बनने वाली एल्कीन में उतने ही कार्बन होंगे जितने का एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। तो ये है इस तरह से विलोपन अभिक्रिया। अब देखो इसमें जब हम विलोपन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे ना बच्चों, तो इसमें दो नियम यूज आते हैं, एक सेट जेफ का नियम, ठीक है, और एक हाफमैन नियम। अब आता है कि कब कौन सा नियम याद रखना है उत्पाद बनाने में, एल्कीन बनने में ये दो नियम यूज होंगे। तो देखो इसने कहा है सेट जेफ नियम में कि विलोपन क्रिया छोटे क्षारीय समूह जैसे कि OH-, एथोक्साइड, मेथोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद होता है।
मतलब सेरजेफ नियम ये कहता है कि आपने एलिमिनेशन कराने के लिए जो एलिमिनेटर यूज किया है विलोपक, वो OH जैसा समूह रखता है या एल्कोक्साइड, छोटे एल्कोक्साइड जैसे कि एथोक्साइड, नॉर्मल जो एल्कोक्साइड है, अगर ये है तो जब एल्कीन बनेगी तो मुख्य रूप से अधिक प्रतिस्थापी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन का मतलब ये होगा कि डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े ज्यादा से ज्यादा एल्काइल समूह वाली एल्कीन ज्यादा बनेगी, या हम ये कहें ज्यादा से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड प्रोहाइड्रोजन वाली एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी जब आप छोटे इस तरह से जो है विलोपक एलिमिनेटर यूज करो। और दूसरा और समझ लें, एक है हॉफमैन नियम। तो इसने कहा है कि विलोपन क्रिया अगर बड़े क्षारीय समूह जैसे टर्सरी एल्कोक्साइड, टर्सरी अमाइंस या प्रबलतम क्षारीय समूह जैसे NH2, H- Na, R- की उपस्थिति में होता है तो कम प्रतिस्थापी एल्कीन बनती है। मतलब अगर आप बड़े बड़े जो है क्षारीय समूह जैसे कि टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड या टर्सरी एल्काइल ग्रुप, टर्सरी अमाइन या बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NH2 ठीक है या H- Na, R- इनकी उपस्थिति में अगर आप एल्कीन का निर्माण कराते हैं, वी हाइड्रोहैलोजनीकरण कराते हैं, तो मुख्य रूप से लेस सब्स्टिट्यूटेड कम प्रतिस्थापी एल्कीन प्राप्त होगी। मींस डबल बॉन्ड इस तरह से होगा कि उसमें कम एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, जैसे हम इसी से समझते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप यहाँ पर दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन है, एक ये है बीटा पोजिशन है ना, और एक ये है बीटा पोजीशन। यहां से ऐसे निकल सकता है हाइड्रोजन और हैलोजन, यहां से भी निकल सकता है हाइड्रोजन और हैलोजन। ओके, अब आता है कि कौन सी एल्कीन कहां बनेगी। तो देखो KOH एल्कोहलिक ले लें या एल्कोक्साइड एक्वस ले लें तो ये बनता है मुख्य उत्पाद, सेरजेफ उत्पाद कहलाएगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपने यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड लिया है या टर्सरी अमाइन ले ले मान लो होल थ्राइस एन, तो आप देख रहे हैं कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मतलब हाफ मैन प्रोडक्ट। यहाँ देख रहे हैं डबली बॉन्डेड कार्बन से केवल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, जबकि यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। बस जो एलिमिनेटर है वो अलग अलग होने चाहिए, एक सी कंडीशन दोनों में नहीं लगेगी। ठीक इसी तरह से मान लो ये वाला हम एक कंपाउंड ले रहे हैं हैलोजन कंपाउंड, तो यहां पर आपने QH एल्कोहलिक यूज किया है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। क्यों? क्योंकि एक दो और तीन कार्बन जुड़े, जबकि NaNH2 का यूज कर रहे हैं तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड उत्पाद बन रहा है। तो इस तरह से ये दो उत्पाद के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब हम आते हैं क्रिया विधि के बारे में, मैकेनिज्म। और इनमें से एक मैकेनिज्म होती है एक अणुक विलोपन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन E1, जैसे SN1 होती है ना वैसे ही E1। ध्यान रखें SN1 और E1 की जो पहला स्टेप है कार्बोकैटाइन का निर्माण होना बिल्कुल सेम है, और चूंकि कार्बोकैटाइन मुख्य रूप से तृतीयक एल्काइल हैलाइड, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक कार्बन युक्त ईथर आदि में पाया जाता है, मतलब जो E1 एलिमिनेशन है मुख्य रूप से इनमें मिलेगा क्योंकि ये आसानी से कार्बोकैटाइन बना लेते हैं और दो पदों में पूर्ण होगा। देखो पहले पद में हम देखेंगे कार्बोकैटाइन बनेगा, स्लो स्टेप होगा और यही क्या होगा RDS, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, और इस तरह से ये बन गया कार्बोकैटाइन। अब देखो यहां पर अगर आप OH एल्कोहलिक लाते हैं, कम मात्रा में OH, देखो अगर एक्वस KOH का यूज कर दें तो इसी रिएक्शन में आप देखोगे क्या बन जाएगा एल्कोहल, लेकिन आपने एल्कोहलिक KOH का यूज किया है वहां OH कम संख्या में होते हैं तो ये रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन के फेवर में चली जाती है और यहां से ये क्या करेगा प्रोटॉन निकाल के और इसको इस तरह से एल्कीन में बदल देगा और ये यहां आ गया बॉन्ड और ये बन गई क्या एक एल्कीन का निर्माण। इस तरह से तो दो स्टेप में रिएक्शन चली। देखो बिल्कुल SN1 जैसा मैकेनिज्म है, ये है एल्काइल हैलाइड, पहले इसमें एक्स निकलने की कंडीशन में आएगा एक इस तरह से, और जैसे ही एक्स निकला ये कार्बोकैटाइन बनेगा, तो एक्स सी एक्स बॉन्ड की ब्रेकिंग होना ज्यादा एनर्जी वाला स्टेप है, कार्बोकैटाइन बना स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। फिर यहां पर जो ये मिथाइल ग्रुप है किसी एक मिथाइल से हाइड्रोजन को निकालेगा बेसिक ग्रुप बेस, और यहां पर जो है एक डबली बॉन्डेड कैरेक्टर आ जाएगा और ये बन जाएगी क्या एल्कीन।
अब देखो यहां पर उत्पाद की एनर्जी मैंने रिएक्टेंट से ज्यादा लिखी है, क्योंकि ध्यान से देखो आप कि एक दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, पहला एक CX और एक CH और एक पाई बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड टूटने में एनर्जी ज्यादा लगी है और निकलेगी कम, क्योंकि वीक बॉन्ड है पाई, तो पाई बॉन्ड बनने में जो है एनर्जी कम निकली, इसीलिए जो उत्पाद बनेगा वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा एनर्जी वाला होगा, और इसीलिए रिएक्शन कैसी है बच्चों, ये एंडोथर्मिक, क्या है ये, एंडोथर्मिक, इस तरह से। तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा, बात क्लियर है यहां तक। और इस तरह से TS1 ही यहां पर क्या है बच्चों, जो है TS2 से ज्यादा एनर्जी वाली है, और ये जो है यहां पर क्या है RDS। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं में आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो पहला है कि एक अणु प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, बिल्कुल SN1 जैसी, मतलब पूरा का पूरा रेट एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, इसलिए ये SN1 की तरह ही एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा है कार्बोकैटायन के निर्माण के साथ चलती है, अभी आपने देखा, और इसीलिए इसमें पुनर्विन्यास भी संभव है, वलय विस्तार भी संभव है। जैसे यहां पर देखो, यहां से अगर हम H निकाल दें, ठीक है, तो यहां से देखो पहले एल्काइल हैलाइड में से हैलोजन निकला, KOH का यूज कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक ये एल्कीन बन रही है और एक ये, तो ये कैसे बन गई, कार्बोकैटायन तो यहां बना, तो ऐसा इसीलिए हुआ है बच्चों, क्योंकि जैसे ही ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, ये हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा, और एक टर्शरी कार्बोकैटायन, मतलब इसमें जो बीच में ये बना है ना, कि एक ऐसा कार्बोकैटायन बना है, और इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इसमें चेंज हो जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इससे बन जाएगा ये उत्पाद, और इस वाले से ही इस वाले से बन जाएगा ये वाला उत्पाद। तो इस तरह से सैड जैप प्रोडक्ट बना है और यही मेजर होगा, ठीक। इसी तरह से ये 5 कार्बन की है, इसमें से Cl हटेगा, और ये 6 कार्बन की, ऐसा कैसे हुआ, Cl हटा, ये कार्बोकैटायन बचा, एल्काइल ग्रुप ने माइग्रेट हुआ, और इस तरह से यहाँ का जो आप देख रहे हैं ये वाला कार्बन है ये है, और ये CH2 से जुड़ेगा, बाद में एक H निकलेगा और रिंग का विस्तार हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन अगर बनते हैं तो ध्यान रखें ये दोनों संभव है, रिंग का विस्तार अगर रिंग दिख रही है उसमें, या फिर पुनर्विन्यासित उत्पाद। तीसरा है विलोपन का वेग अल्फा प्रतिस्थापन तथा हैलोजन का आकार बढ़ने से या संयुग्मन बढ़ने से बढ़ता है, वही है बिल्कुल SN1 जैसा, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री में विलोपन रेट होगा, ठीक। इसी तरह से हैलोजन के रिस्पेक्ट में जितना कम क्षारीय समूह होगा हैलोजन, उतने जल्दी निकलेगा, जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, एनर्जी कम रहेगी, ठीक। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन होगा तो कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, 2 कॉन्जुगेशन होंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड ही बनेगा फाइनली, इसलिए विलोपन का वेग इस ऑर्डर में बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा संयुग्मन होता है, एरोमेटिक करेक्टर आता है प्रोडक्ट में, ठीक है, ठीक। अल्फा जितने ज्यादा अल्फा एल्काइल ग्रुप, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतना ज्यादा विलोपन, इस तरह से बिल्कुल SN1 जैसी ही कंडीशन है। इवन विलोपन समस्थानिक प्रभाव नहीं दर्शाता, क्योंकि प्रोटॉन निष्कासन वेग निर्धारक नहीं। हाँ बच्चों एक क्वेश्चन आता है, एक होता है समस्थानिक प्रभाव, मतलब अगर हम एक में प्रोटॉन निकल के कोई रिएक्शन चल रही है, हम प्रोटॉन की जगह ड्यूटेरियम यूज कर दें, ट्राइटियम यूज कर दें, तो बीटा, मतलब बीटा पोजिशन में हाइड्रोजन जो है उसके हटा के हम ड्यूटेरियम जोड़ दें या ट्राइटियम, तो रेट में क्या चेंज आते हैं, इसको बोलते हैं समस्थानिक प्रभाव। तो यहां पर आपने अभी देखा कि हैलोजन का निकलना रेट डिटरमिनेटिंग है, ना कि प्रोटॉन का, इसीलिए प्रोटॉन चाहे हाइड्रोजन की तरह जगह ड्यूटेरियम लगा दो, चाहे एच लगा दो या ट्राइटियम, रेट वही रहेगा, इसका मतलब है प्रोटॉन निष्कासन वेग निर्धारक नहीं है। उत्पाद का निर्माण मुख्य रूप से सैड जैफ नियम के अनुसार ही होगा बच्चों, क्योंकि प्रोटॉन निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर वहां से हाइड्रोजन निकलेगा जहां से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाए, और इस तरह से सैड जैप प्रोडक्ट ही मैन होगा। उच्च ताप विलोपन के पक्ष में होता है, क्योंकि यह है एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और ये वैसे भी बता दूं चाहे E1 हो चाहे E2, ताप के लिए ताप के पक्ष में होगा, मतलब ताप उच्च ताप रखोगे तो विलोपन ज्यादा होगा। दुर्बल क्षारीय निष्कासित समूह E1 विलोपन के पक्ष में होते हैं, ठीक है, बीटा प्रतिस्थापन से E1 का वेग कम हो जाता है, दुर्बल निष्कासित समूह E1 के विलोपन के पक्ष में होते हैं, दुर्बल निष्कासित समूह, मतलब है कि जैसे हैलाइड्स हैं, तो जितना दुर्बल निष्कासित समूह होगा, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में सबसे दुर्बल निष्कासित समूह कौन सा है,
आयोडाइड। दुर्बल निष्कासित का मतलब यहां पर है कि जो दोबारा ना ऐड करे, मतलब मैं ये दुर्बल की जगह बल्कि यहां कर दू दुर्बल क्षार, सही तो लिखा है ठीक है कि दुर्बल क्षारीय निष्कासित समूह, बिल्कुल सही लिखा है कि दुर्बल क्षारीय निष्कासित समूह, मतलब फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में जो है वो आसानी से निकलेगा, आयोडाइड सबसे जल्दी निकलेगा ठीक है। इसे बीटा प्रतिस्थापन से ईवन का वेग कम हो जाता है, मतलब यहां पर अगर हम बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम करते जाएं तो विलोपन का वेग कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि बीटा विलोपन तो चाहिए ना, बीटा पोजिशन में हाइड्रोजन। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं CH2 है, दो हाइड्रोजन है बीटा, फिर यहां पर एक ही बचा और यहाँ एक भी नहीं बचा, तो यहाँ का विलोपन थोड़ा टफ हो जाएगा। बस ये है कि यहाँ पर एक एल्काइल समूह का क्या होगा बच्चों, पहले माइग्रेशन होगा तब जाके फिर एल्कीन का निर्माण होगा। तो अगर बीटा पोजीशन में ज्यादा हाइड्रोजन है तो विलोपन आसानी से हो सकता है। फिर आता गुड लीविंग ग्रुप ईवन के पक्ष में होंगे, ये तो यही बात हो गई, मतलब जितने दुर्बल क्षारीय समूह होंगे उतना अच्छा ईवन विलोपन होगा। तो यहां तक बात क्लियर है, तो ये तो हो गया हमारा ईवन के बारे में। अब हम आते हैं E2 बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन। तो ये देखो आप, पहली तो ये बता दूं कि ये मुख्यतः 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री अल्कोहल इनमें पाया जाता है और एक ही पद में पूर्ण होता है, मतलब ये है B- और ये है H। तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीटा हाइड्रोजन के साथ इस एलिमिनेटर की, और एक ऐसी स्टेट बनती है जब प्रोटॉन का निकलना और हैलोजन का निकलना एक साथ होता है। यहां प्रोटॉन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कम होने लगेगी और जहां सी सिंगल बॉन्ड सी था वहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा और जो एक्स है उसमें भी पार्शियल बॉन्डिंग होने लगेगी और एक स्थिति आएगी बीएच निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा और ये बन जाएगी एल्कीन। तो ये जो है स्लो स्टेप है और यही आरडीएस। तो इस तरह से अगर हम इसकी रिएक्शन के मैकेनिज्म देखें तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि SN1 थी, कि हैलोजन और हाइड्रोजन, मतलब जो एल्काइल हैलाइड है और जो बेस है वो इस तरह जुड़ेंगे कि हाइड्रोजन और हैलोजन की निष्कासन की कंडीशन बिल्कुल आ जाएगी टॉप मोस्ट एनर्जी स्टेट। इसके बाद BH निकल जाएगा, X निकल जाएगा और इस तरह से हमारे पास एक एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इस तरह से चलती है द्विअणु विलोपन। अब लक्षण में आ जाते हैं। देखो पहला है कि एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वेग निर्धारक पद में आप अभिकारक मतलब एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों आते हैं, कोटि दो हो गया है ना। अल्फा प्रतिस्थापन से तथा हैलोजन का आकार बढ़ने से E2 का वेग बढ़ता है। बिल्कुल ध्यान रखें E1 और E2 के लिए एल्काइल हैलाइड और हैलोजन का नेचर एक सा वेग को प्रभावित करता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है तो विलोपन जल्दी होगा। हैलोजन जितना अच्छा रिमूवल करेगा उतनी जल्दी होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद हैलोजन जितने जल्दी निकलेगा तो उतनी फास्ट होगी। तो ध्यान रखें E1 और E2 के लिए एल्काइल हैलाइड और हैलोजन का नेचर एक सा वेग प्रभावित करता है, जबकि SN1 और SN2 में देखा था आपने वहां एल्काइल ग्रुप का नेचर उल्टा इफेक्ट डाल रहा था। ठीक है, विपक्ष विलोपन घटित होता है, मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन हट रहा है और जो हैलोजन है वो एक दूसरे के अपोजिट फेस से निकलते हैं, क्योंकि बी माइनस खुद है तो वो हैलाइड के डायरेक्शन से नहीं आ सकता। तो इस तरह से एक ट्रांस ट्रांजिशन स्टेट बनती है और एक बीटा विलोपन ट्रांस पोजिशन से होता है। अतः बीटा स्थिति में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घटने या त्रिविम बाधा अधिक होने पर विलोपन का वेग कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बीटा पोजिशन में ठीक है हाइड्रोजन की संख्या कम करेंगे तो विलोपन का वेग कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनने में बाधा आएगी। लेकिन अल्फा सब्स्टिट्यूशन से ध्यान रखें रेट बढ़ता है E2 का, लेकिन बीटा प्रतिस्थापन से घटेगा, क्योंकि बीटा में ज्यादा भीड़ होगी तो प्रोटॉन नहीं होगा, प्रोटॉन ना होने से ट्रांजिशन स्टेट बनना थोड़ा टफ होगा। मुख्य रूप से हाफमैन उत्पाद बनता है, क्योंकि कम त्रिविम बाधा वाले प्रोटॉन के साथ संक्रमण अवस्था आसानी से बनती है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स है, इस तरफ भी एक बीटा प्रोटॉन है, यहाँ देख रहे हैं आप, और इस तरफ भी बीटा है, लेकिन यहाँ त्रिविम बाधा ज्यादा है। ठीक है, क्या है बच्चों, यहाँ पर त्रिविम बाधा ज्यादा है और यहाँ त्रिविम बाधा, ठीक है, ज्यादा है यहाँ पर और यहाँ त्रिविम बाधा जो है कम है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट आसानी से बन सकती है, और ऐसे में आप देख रहे हैं कि
कि इसमें जो उत्पाद बन रहा है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा बन रहा है। तो इस तरह से जो है मुख्य रूप से उत्पाद हॉफमैन रूल के अनुसार दिखाई देगा SN2। बात क्लियर है? फिर आता है आइसोटोपिक इफेक्ट दिखता है। देखो बच्चों, यहां पर चूंकि प्रोटॉन का निकलना और हैलोजन का निकलना दोनों वेग निर्धारक पद में भाग लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर बीटा प्रोटॉन को हम ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट कर दें तो रेट कम हो जाएगा, क्योंकि सी डी का एनर्जी ज्यादा होती है, ब्रेकिंग एनर्जी। तो इस तरह से यहां पर आइसोटोपिक इफेक्ट दिखता है, मतलब E2 एलिमिनेशन में प्रोटॉन निकलना भी वेग निर्धारक है, और यही रीजन है कि यहां पर एक आइसोटोपिक इफेक्ट आपको दिखेगा। जैसे यहां पर हाइड्रोजन लिया था, सपोज R1 रेट है, और यहां ड्यूटेरियम ले लिया जाए R2, तो R1 और R2 का जो रेशियो है वो 7R, इसका मतलब है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ड्यूटेरियम का निकलना 7 गुना कम रेट से होता है। बात क्लियर है? जबकि E1 में आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं था। अब आता है रिजियो सिलेक्टिव एवं रिजियो सिलेक्ट, ठीक है, रिजियो सिलेक्टिव एवं स्टीरियो सिलेक्टिव हो सकती है रिएक्शन जो है यहां पर जो E2 है। देखो, रिजियो सिलेक्टिव का मतलब है कि दो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है, वो क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर, और एक कम बनता है और एक ज्यादा बनता है, तो ये कहलाती है रिजियो सिलेक्टिविटी। जैसे इसमें देखो आप, दो प्रकार की E2 में दो प्रकार की एल्कीन बन रही है, एक ये माइनर और मान लो ये मेजर बन रही है, ठीक है, या E1 हो या E2, में दोनों के लिए बता दूं, E1 और E2 है मान लो, और मान लो ये दो प्रोडक्ट में से ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है ना, ये वाला कौन सा सैटजेट प्रोडक्ट, और ये कम बन रहा है। सपोज यहां पर आपने बेस एक वीक टाइप का लिया है, E1 एलिमिनेशन हो रहा है, ये क्या है बच्चों E1, और E2 होगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा बनेगा। तो इस तरह से दो में प्रोडक्ट जो बनेंगे एल्कीन के, उनमें से एक कम एक ज्यादा बनेगा, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर है पोजिशनल, इसलिए हम कहेंगे ये रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव हो गई। अब मान लो ये वाली एल्कीन जो बनी है दूसरी, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी शो कर सकती है, तो ट्रांस ज्यादा बनेगा और सिस कम बनेगा। तो इस तरह से यहां पर अगर एक स्टीरियो आइसोमर्स में भी एक कम और एक ज्यादा बन जाए तो फिर वो कहलाती है स्टीरियो सिलेक्टिव। तो अगर किसी दो प्रोडक्ट रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन में एक स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हो रही है, तो फिर वहां रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव भी हो जाएगी, मींस ट्रांस ज्यादा बनेगा और सिस कम बनेगा। इस तरह से बल्की बेस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस E2 के पक्ष में होते हैं, और गुड लिविंग समूह भी E2 के पक्ष में होते हैं। मतलब जितने स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, जितना बड़ा बल्की बेस होगा, वो उतना ही लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजिशन से प्रोटॉन के साथ ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, और मेनली कौन सा होगा बच्चों, मेजर जो हाफ मेन प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा। बात क्लियर है? तो ये था हमारा E2 के बारे में। एक और बचती है एक अणु संयुग्मी क्षार क्रिया विधि, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म। तो देखो ये लिखा है कि ये मुख्यतः 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में प्रबलतम क्षार जैसे NH2-R- या बल्कि बेस R3CO- द्वारा पाई जाती है। यदि बैड लिविंग समूह है तो इसमें भी E1CV क्रिया विधि मिलेगी। मतलब अगर हम फ्लोराइड्स की बात करें, फ्लोराइड है तो ज्यादातर E1CV होगी। देखो इसमें इस क्रिया विधि में आप देखोगे कि पहले क्या निकलेगा, हैलोजन सॉरी प्रोटॉन, फिर निकलेगा हैलाइड। तो जैसे ही प्रोटॉन पहले निकलेगा तो एक कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि हैलाइड बहुत ही बैड लिविंग नेचर का है और इसीलिए वो पहले नहीं निकलेगा। दूसरा है कि वो पोजीशन में ज्यादा प्रोटॉन एसिडिक होते हैं जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है। तो जैसे यहां पर हम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ले लें, तो ये उस प्रोटॉन को निकालने की बीटा की कोशिश करते हैं जो ज्यादा एसिडिक हो या जहां लेस क्राउडिंग हो। तो यही रीजन है कि यहां पर ये जो है बेस, अगर आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो ये पहले कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा, फिर एक स्लो प्रोसेस चलेगी और हैलोजन निकल जाएगा। तो यहां पर स्लो प्रोसेस ये है, तो यही बच्चों क्या है RDS, और इसीलिए यहां पर केवल है जो कार्बन आयन है वही रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है, और इसीलिए इसको बोला गया है E1CV, एक अणु बेस कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक इसी तरह से मान लो फ्लोराइड है,
तो यहां से ये लेस सब्स्टिट्यूटेड या अधिक एसिडिक प्रोटॉन है और ये इसको निकालेगा, बाद में एक कार्बेनाइन बनेगा कॉन्जुगेटेड बेस, और इस तरह से फिर ये माइनस चार्ज यहाँ आया और ये क्लोराइड क्लोराइड को निकाल के बाहर कर देगा और ये आरडीएस स्टेप, और इस तरह से एक एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में ये तब होता है जब ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो, बहुत ही बल्की बेस हो, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो, बैड लिविंग ग्रुप हो, तो ज्यादातर E1CB मैकेनिज्म होगी। और ध्यान रखें इसका रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है हैलोजन का निकलना, ना कि प्रोटॉन। ठीक इसी तरह से यहां पर अगर हम रिएक्शन NH2 लें तो यहां कार्बेनाइन बन जाएगा, फिर हैलोजन निकल जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें कि बेस आया, प्रोटॉन निकाला, ये प्रोटॉन का निकलना एक लेस एनर्जी स्टेट है TS1। कार्बेनाइन बना कॉन्जुगेटेड बेस, ये क्या बन गया बच्चों, कॉन्जुगेटेड बेस। एक प्रोटॉन का डिफरेंस है इस मॉलिक्यूल में और इसमें। फिर जब हैलोजन का निकलना होगा बच्चों, तो ये ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट है, इसलिए इसकी TS2 ज्यादा एनर्जी की है और TS2 ही RDS है। मतलब हैलाइड का निकलना रेट डिटरमिनेटिंग है और इसके निकलने में केवल कार्बेनाइन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ये मुख्यतः है, ठीक है, हॉफमैन उत्पाद का निर्माण होता है इसमें, बल्कि यानी यहां पर आ जाएगा इसमें जो है मुख्यतः हॉफमैन उत्पाद का निर्माण होगा। ये है लिविंग ग्रुप, ठीक है बच्चों, बैड नेचर में है। ये क्या है, बैड नेचर में, मतलब सबसे बैड होता है इसका निकलना, उससे कम ये और उससे कम ये। तो अगर ये बैड नेचर वाले ग्रुप है कहीं पे और इनके विलोपन कराना है और मैकेनिज्म पूछ रहे, तो E1CV मैकेनिज्म हो, या इसके अलावा हैलाइड हैलोजन में फ्लोराइड दिखता है और पूछ रहे मैकेनिज्म कौन सी है, तो E1CV प्रोडक्ट हमेशा हॉफमैन रूल के अनुसार बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अधिक एसिडिक प्रोटॉन का निकलना होगा। अब बाकी इसके आगे हम विलोपन और प्रतिस्थापन में क्या प्रतिस्पर्धा है, मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में कॉम्पिटिशन क्या है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज इतना ही बहुत है।